आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द गिवन नेटवर्क एन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तब आपका करंट फ्लो रहा 5.6 एम्पियर का, और जब सेम बैटरी को करंट कर रहे बी से सी में तब आपका करंट फ्लो रहा 10.5 एम्पियर का। तो आपसे R1/R2 का रेशियो बोला गया, रेशियो बताओ R1/R2 का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस में आपका जो बैटरी कनेक्टेड है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ए और बी के अक्रॉस आपका बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो ए और बी के अक्रॉस निकालेंगे तो ये तीनों रेसिस्टेंस आपके मिल जाएंगे सीरीज में। ठीक है, तो अगर ये सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R1 + 2R2, और ये पैरेलल में होंगे इस R1 के साथ में, तो ये आपका पैरेलल हो गया किसके साथ में, R1 के साथ में। तो जो हमारा आर ए बी के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे R1 प्लस का 2R2 एंड इनटू का कर लेंगे R1 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2R1 प्लस का 2R2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो करंट क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो बैटरी कनेक्टेड वो भी वी पोटेंशियल का है, तो वी एंड आर ए बी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आर ए बी। ठीक है, आर आई का वैल्यू कितना रखा है, तो 5.6 एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5.6 एम्पियर, और ये हमारा आ जाएगा वी एंड डिवाइडेड बाई ए और बी कितना दे रखा है, तो आर ए बी हमारा आया था अभी, इसको मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा R1 एंड प्लस का हो जाएगा R1 प्लस का ट्वाइस R2 एंड डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 2R1 एंड प्लस का 2R2। ओके, इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा हूँ। अब सेकेंड केस की अगर बात करेंगे, तो सेकेंड केस में आपका जो बैटरी कनेक्टेड है वो आपका बैटरी कनेक्टेड है बी और सी के अक्रॉस। अब आपका बैटरी यहाँ से यहाँ के अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, तब अगर बी और सी के अक्रॉस अगर निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये तीनों रेसिस्टेंस अब आपके सीरीज में दिखेंगे, और ये तीनों और ये आपका पैरेलल में दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं बी और सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखूंगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये R1 + R2 ये आपके पैरेलल हो जाएंगे किसके अक्रॉस, तो आपके पैरेलल होंगे R2 के अक्रॉस। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ट्वाइस R1 प्लस का R2 एंड ये मल्टीप्लीकेशन होगा आपका R2 के साथ में, एंड इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2R1 प्लस का 2R2। ओके, ये हमारा आ गया बी और सी के अक्रॉस। अगर अब इसमें करंट की बात करेंगे तो आई क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा हमारा बैटरी तो वही है तो पोटेंशियल भी वही होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर बी सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करंट का वैल्यू दे रखा आपका दे रखा 10.5 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10.5 एम्पीयर इज इक्वल टू वी एंड आर बी सी कितना है, तो आर बी सी है आपका आर टू एंड साथ में हमारा है ट्वाइस आर वन प्लस का आर टू एंड डिवाइडेड बाई आपका है 2R1 एंड प्लस का 2R2। ओके, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अगर मैं 10.5 को डिवाइड करूँगा, 10.5 को डिवाइड करूँगा 5.6 से। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट हैंड साइड में हमारा जो बचेगा वो आपका आ जाएगा ऊपर में आपका आ जाएगा वी इंटू का 2R1 एंड प्लस का 2R2। ठीक है, एंड इसको डिवाइड करेंगे हम लोग R2 एंड यहाँ पे है आपका R2 एंड यहाँ पे आपका आ गया R2 एंड 2R1 R2। ठीक है, 2R1 + R2। ठीक है, तो 2R1 प्लस का R2 एंड इसको पूरे से हम लोग डिवाइड करेंगे, इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, तो आपका ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इससे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका हमारा वी एंड साथ में हमारा आ जाएगा 2R1 + R2। ठीक है, 2R1 प्लस का 2R2 एंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे R1 + 2R2 एंड साथ में हमारा आ जाएगा R1। ओके, यहाँ से V कैंसिल कर सकते हैं और ये 2R1 से ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा ये 10.5/5.6 करेंगे तो हमारा 15/8 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 15/8 आ गया और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा R1 एंड यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस का 2R2 एंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा R2 एंड यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2R1 एंड प्लस का R2। ठीक है, अब मैं एक टर्म क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें ऊपर वाले को जो आपका न्यूमरेटर है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/R2 से
और डी न्यूमरेटर का भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1/r2 से, ठीक है। और मैं एक और टर्म क्या कर रहा हूँ कि मैं r1/r2 को मैं मान ले रहा हूँ x के बराबर, ठीक है। r1/r2 को x के बराबर मान ले रहा हूँ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 15/8, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये r1/r2 क्या आ जाएगा, तो ये आपका x के बराबर आ जाएगा। और इस r2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये r1/r2 x बन जाएगा, और प्लस का आपका आ जाएगा 2 और r2 कैंसिल हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे में हमारा आ जाएगा ट्वाइस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस r1/r2 एक्स आ जाएगा और प्लस का हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू पता करना है, क्योंकि एक्स ही आपका किसके बराबर है, तो r1/r2 के बराबर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 30x, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8x², एंड साथ में हमारा आ जाएगा 8 × 2 = 16, ठीक है। तो 16x के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 8x² एंड माइनस का 14x, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 = 0, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5/2 के बराबर, ठीक है। और यही x आपका किसके बराबर है, r1/r2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।